बारिश का असली मजा तो यही लोग ले रहे भाई, एकदम मस्त झन्नाटेदार तरीके से जहाँ पानी वाला एक दूसरे पे उछाल रहे हैं फ्रेंड्स हैं भाई, कुछ दिख नहीं रहा है ना, मतलब आपको सीरियसली विजिबिलिटी कितना कम है ना, बारिश कितनी ज्यादा तेज है इससे अंदाजा लग रहा होगा कि एकदम सब धुंधला धुंधला है भाई। और जबकि अभी मैं 10-10.5 के स्पीड पे हूँ, मतलब यही तेज चलो ना तो और तेज पानी पड़ता है, फिर तो और कुछ नहीं दिखता है। रास्ते इतने पतले है ना कि एक ट्रक आ रहा था सामने तो पूरा जैम ही लग गया। अब ये धीरे धीरे करके एक एक गाड़ियां उधर से निकलेंगी, फिर अपन निकलेंगे। कितनी सारी बाइक्स है ना, कितने सारे लोग हैं यार, मतलब बाइक का अलग फन है भाई, अलग फन है। गाड़ी में तो चलो कन्वीनियंस है, लेकिन बाइक का इस मौसम पे ना जो फन एक्चुअली ये लोग ले पा रहे ना, वो हम और आप कभी नहीं ले सकते गाड़ी में ट्रैवल करके। बट जो कन्वीनियंस हम ले पा रहे ना, वो उनके लिए दिक्कत है यार, क्योंकि उनको सब सारी चीज़ें पानी से बचा के रखनी है। अपना क्या, इधर छाता भी है तो इसके ऊपर रखा है ताकि पानी अंदर नहीं आए। सारे लोग ना यू टर्न मार रहे हैं, देखो सामने भी एक गाड़ी नैनो यू टर्न मार रही है। अब एग्जैक्टली यू टर्न क्यों मार रहे हैं, मतलब मे बी वो टूरिस्ट ऐसे पंबोली घूम के वापस जाना चाहते हैं, जाम में फंसना नहीं चाहते, या फिर आगे कुछ गड़बड़ है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, अभी क्या है क्या नहीं है। अपने को तो यहाँ पे 15 मिनट दिखा रहा है, 15 मिनट का जाना। फक यार, पीछे वाले बंदे ने गाड़ी सटा दी यार, मैं इधर रिकॉर्ड करो पीछे से लाके हल्की से सटा दी। जाम का सबसे मेजर कारण होता है ना इन जैसे बेवकूफ़ आदमियों के वजह से जाम लगता है। अब ये आदमी ना पीछे भी इंतज़ार कर सकता था, और ये भी देखो ये पीछे भी इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन नहीं, अभी ये आगे से गाड़ी आएगी, ये इधर बैठे रहेंगे, फिर इधर अंदर घुस आएंगे। तगड़ा जाम लगा पड़ा है, तगड़ा जाम। 15-20 मिनट हो गए, खुल ही नहीं रहा है भाई, वहाँ पे कुछ हुआ है भसड़। इधर भी पूरा जैम लगा पड़ा है हमारे, तो आगे वो भाई साहब मैंने बताया था ना, वो भाई साहब लगेंगे आगे। क्या है यार, इस जाम में तो कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते भाई। इतना बड़ा ट्रक आ रहा है सामने से, और इधर सारे बाइक्स लगे हुए हैं, ओके ट्रक निकल जाए। तरीके से यहाँ पे भसड़ मची पड़ी है, सामने वो जो ट्रक है और इतनी सारी बाइक्स हैं, निकलने की कोशिश चल रही है। अब ये ऐसे ना उस साइड भी रोड के हमने जाम लगा दिया है, जिस वजह से ज़्यादा दिक्कत, ठीक है निकल जाएगी। एक तो इधर भी गाड़ी लगी हुई है ना, ये गाड़ी में कहीं भैया बहुत भयंकर जाम है भाई, बहुत, मतलब मैंने ना पहाड़ों पर ऐसा जाम पता नहीं कितने सालों बाद देखा है, भयंकर जाम है यार, भयंकर जाम है। एक तो शीशा खोल रहा हूँ तो इतनी बाइक की आवाज़ आ रही है ना, सारे बुलेट और सारे हुंगामा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ओ गजब फंसे भाई आज। पहले उठ जाना चाहिए था सुबह, ये जो डेली रात में लेट सोने की आदत है ना, और सुबह लेट उठने की, ये साला फंसा देता है। चलो भैया सामने से तो हटो, दबा देंगे इसी के नीचे। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से मैं यहीं पे फंसा हुआ था। आपको लग रहा होगा कि भैया अम्बोली क्या चीज़ है, देखो यही चीज़ है अम्बोली। ये बाइक देख रहे हो भाई, बाइक तो इतनी सारी है ना भाई, कार्स तो यहाँ पे माइनॉरिटी है, यहाँ सिर्फ बाइक है। यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं ना, मतलब लोकल्स बोले तो जिनकी गाड़ी फंसी हुई है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ओके, हाथ में क्या बोला उन्होंने मुझे समझ में नहीं आया, बट कुछ तो गाली दिया मुझे। ऐसा मुझे लगा जिसको जहाँ से मिल रहा है ना यू टर्न ले ले रहा है, हाँ क्योंकि भाई आगे तो बहुत लंबा है ना, ये तो 20 मिनट दिखा रहा है। अरे तो दिखा पहले, 20 मिनट दिखा रहा है, किलोमीटर लंबा जाम लगा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फॉग है, नज़ारे हैं अच्छी, मतलब वाइब्स अच्छी आ रही है, बट वाइफ के चक्कर में ना इतनी गाड़ी लग गई भाई। एक अलग लड़ाई हो गया, गाड़ी ठोक दी भाई ने, गाड़ी ठोक दी उधर, वो
पुलिस भी आ गई। देखो भाई पता नहीं ड्रंक था क्या था, गाड़ी चल रही लोग पुलिस से भी लड़ रहे हैं लोग। भाई ऐसा भसड़ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा जो आज मैं फेस कर रहा हूँ। और सही बताओ तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, गोवा मुझे वैसे 3 बजे पहुंचना था, अब जो जीपीएस टाइम दिखा रही है वो 6 बजे के आसपास का दिखा रही है। तो सोचो 3 मतलब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तो मैं यहाँ पे फंसा हूँगा। बट सीरियसली यार जो नज़ारे है ना खतरनाक है यार। पुलिस सब हेल्प कर रही है, पब्लिक हेल्प कर रही है, अपन धीरे धीरे अपने पास तो कोई हेल्प के लिए आ नहीं ना, गाड़ी आगे धीरे धीरे ले जानी है, रिकॉर्ड भी करना है, आपको बताना भी है, इंजॉय भी करना है, यही सब करा और मजा आन साला एकदम कान का पर्दा फाड़ दो। ये देखो भैया कितना पिए हैं। भाई इन सारी चीजों से एक चीज तो मैंने सीख ली कि भाई वीकेंड्स पे ऐसे कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं आना है जहां जैसे मॉनसून में ये एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट है, हॉट तो नहीं है बहुत वेट टूरिस्ट स्पॉट है, तो भाई वीकेंड्स पे नहीं आना है, नहीं तो आप चीजें भी इंजॉय नहीं कर पाओगे और इतने देर जो जाम में फंसे उसका तो क्या ही कहना। ये है जी मेन अम्बोली जहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे देखो एक्चुअली ये जो जैम है ना पूरा, एक तो उल्टे साइड से आने के लिए भी है प्लस सामने एक वाटरफॉल है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, सारे लोग खाना पीना खाते हैं और अपना इधर वाटरफॉल और मॉनसून इंजॉय करते हैं ये नज़ारे। बट उसके चक्कर में हम जैसे जो गोवा जा रहे होते हैं वो फंस जाते हैं। और ये है वो वाटरफॉल, आपको मेरी आवाज़ के साथ बहुत सारी और आवाज़ भी आ रही होगी, सामने भी देख के चलना है आपको दिखाना भी है। तो ये है वो वाटरफॉल, ये यहाँ से इधर का विंडो खोल दिया मैंने ताकि आपको दिखा पाऊँ। ओ भाई यहाँ पे इतनी पुलिस है लेकिन फिर भी क्राउड मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है भाई। ये है देख रहे हो ये वाटरफॉल है। हेलो कैसे हो आप? हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले थे तो उनको मैं लिफ्ट दे रहा हूँ नीचे तक, उन्होंने नीचे गाड़ी छोड़ी थी। और यहाँ पे फाइनली थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, वो एक्चुअली वाटरफॉल के वजह से ना इतना ज्यादा जैम है। आई होप कि कोई सामने वाला गाड़ी ना इधर ना घुसा दे कि भाई जल्दी निकलते। वो वाला वाटरफॉल मेन, अरे यार ये तो अलग वाटरफॉल चला रहे ना भैया, यहाँ नेचुरल वाटरफॉल, भैया का अलग नेचुरल वाटरफॉल। यहाँ भी लोग हैं यार, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर है, बाहर निकल के दिखाना है कैसे दिखाऊं यार, अगर मैंने गाड़ी लगा दी ना तो मेरी गाड़ी को तेल डाल के लोग आग लगा देंगे, इतने गुस्से में हैं सारे लोग यार। फ्रस्ट्रेशन हो ही जाती है, मतलब सबको अपने घर जाना है, कल ऑफिस जाना है, मैं क्या अपने को तो गोवा जाना है, 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है। जी फाइनली जैम खत्म यार, फाइनली जैम खत्म। और 67 किलोमीटर बाकी हैं गोवा के लिए। अब गोवा में ना मैंने सोचा था कि भाई मैं आराम से 2-3 बजे तक पहुंच जाऊंगा, फिर आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, एडिटिंग वेडिटिंग जो भी करना होगा वो करूंगा और शाम में चलूंगा थलासा पार्टी करने भाई। लेकिन अब हम पहुंचेंगे 7 बजे, मतलब 7 बजे 67 किलोमीटर्स के लिए अपने को ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से ऊपर लग जाएंगे, बशर्ते कि हमें जैम ना मिले। सोचो ये रास्ते अगर आप रात में आओ तो डेफिनेटली इंजॉय नहीं कर पाओगे यार, ये जो फॉग, ये जो ग्रीनरी,
मतलब उसके बीच से ऐसे पतले से टर्मैक वाले रोड, आपको आसमान नहीं दिख रहा है। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा है ना कि इतने घने जंगल है, इतने घने जंगल कि आसमान ही नहीं नजर आता भाई। बहुत देर तक ऐसा चलता रहता है, ऊपर से हल्का फुल्का आपको व्हाइट आसमान नजर आ रहा है, आसमान ब्लू नहीं है क्योंकि भैया क्लाउड्स है ना। भाई बुद्धा गार्डन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इधर गोवा के पास भी है। देखो एक बस स्कूटी लगा है, उधर गए हैं लोग, उधर उधर समझ जाओ। बुद्धा गार्डन अगर दिल्ली से हो तो पता होगा, नहीं है तो गूगल करो। बाकी यहाँ पे रुके थे सुसु करने के लिए और बहुत सारे लोग भी मिल गए, अभी सबके साथ फ़ोटो लेते हैं। हाँ चलो जी, अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, सबसे मिल लिए, सबके साथ फोटोग्राफ भी ले लिए, बहुत प्यार मिलता है हर जगह से। ओके जी, बाय, टेक केयर। चलो मस्त रोड भाई, मस्त रोड। सुसु लग गई थी ना, इतने देर जाम में फंसे रहे। भाई अब गोवा ज़्यादा दूर नहीं है, सावंतवाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, मतलब सावंतवाड़ी वाला टर्न ले लिया, जो शॉर्टकट, एक शॉर्टकट है। अब जो भाई लोग मिले थे वो बता रहे थे कि शायद यहाँ पे ना डैम का पानी छोड़ जाता है तो नीचे कहीं रोड पे ना पानी आ जाता है, बट ऐसे वहाँ पे ट्रैफिक कॉप्स थे, उन्होंने मुझे डाइवर्जन नहीं दिया, मतलब बोला नहीं कि इधर मुड़ो मत, तो अपन ठीक है इधर से निकल जाते हैं, इधर ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी ना। किलोमीटर्स में अपन मिल जाएंगे NH66 पे। 66 बोले तो मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है यार। लास्ट टाइम NH66 से ही अपन ना मालवन वगैरह वाला साइड थोड़ा सा कवर किया था, अगर अक्टूबर वाला ट्रिप आपको याद हो, जो मैं 35 डेज के लिए घर से बाहर था XUV500 लेके, ऐसे ही था, मतलब एकदम रैंडम प्लान था भाई, कहाँ जाना है क्या जाना है। बाकी यहाँ पे अंदर वाला रोड है ना, सावंतवाड़ी के अंदर वाला रोड, तो थोड़ा रास्ता ख़राब है यहाँ पे, बाकी ठीक है। 7 किलोमीटर में अच्छा रास्ता आ जाएगा। लास्ट टाइम आया था तो NH66 पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब वो ब्रिज बनाने का, ओवरहेड फ्लाईओवर बनाने का। अब देखते हैं इस बार काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब सर्वे करने आता हूँ मैं, घूमने थोड़ी ना आता हूँ, मैं तो देखने आता हूँ कि सरकार कितना काम कर रही है। मोदी जी का सीक्रेट एजेंट हूँ मैं, हाँ, किस स्टेट में कितना काम हुआ है ना, उसको सर्वे करने के लिए भेजते हैं। रोड की कंडीशन क्या है, ब्रिज बन रहा था जो लास्ट टाइम, वो सही हुआ कि नहीं हुआ, बना कितना, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये सब भेजने के लिए सरकार ने मेरे को हायर किया है। हाँ, स्पेशल मिशन पे हूँ मैं, इंडिया भ्रमण पे, थाईलैंड की सरकार की बुला रही है मेरे को। अगस्त 5 तारीख को थाईलैंड जाना है, वो भी मनोज भाई के साथ। निकल गए जी हम खोपचे से और सीधे आ गए NH66 पे। ये शॉर्टकट था एक्चुअली, अदरवाइज मेन सावंतवाड़ी आते तो पूरा शहर घूम के आना पड़ता। तो जी अपना जो स्टे है मैंने आज हॉस्टल में बुक किया है। अब हॉस्टल इसलिए क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कल क्या हुआ था ना कि कोल्हापुर में मैं एक बार रूम में आया ना 6:30 बजे, उसके बाद मैं रूम में ही रहा, कहीं निकला ही नहीं यार। तो हॉस्टल में ये होता है ना कि बहुत सारे लाइक माइंडेड ट्रैवलर्स मिलते हैं, तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो कभी हॉस्टल में रुको, प्राइवेट रूम बुक किया, बिकॉज मेरे को एडिटिंग वगैरह वाला काम करना होता है, प्लस यार डॉर्म में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज अगर कोई काम कर रहा है और आपको सोने का मन है फिर आप नहीं सो सकते, वैसे गोवा में कोई सोता नहीं है, बट स्टिल मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया, एक छोटा सा हट है और बहुत इकोनॉमिकल भी है। तो मैंने 2 दिन का स्टे अपना हॉस्टल में ही बुक किया, मतलब आज की रात और कल की रात, उसके बाद फिर अगर मन नहीं किया तो भैया कहीं और चले जाएंगे। हाँ गोवा में तो इतने सारे प्रॉपर्टी है ना, और अभी तो ऐसा टाइम है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। गोवा तो अपन इंटर कर गए हैं, मतलब गोवा तो पहले स्टेट में इंटर कर गए थे, प्रॉपर सिटी विटी अभी आ जाएगा, पंजी वंजी पीछे था, और अभी अपन कैलंगेट के साथ जा रहे हैं, मतलब कैलंगेट की तरफ जा रहे हैं, कैलंगेट के साथ नहीं जा रहे, कैलंगेट वहीं पे है, अपन उसके पास जा रहे हैं, और वहां से फिर अपन ना एक्चुअली जो अपना स्टे है ना वो अंजुना पे है, कर्लीज के पास है जो अपना हॉस्टल है। अभी आप रोड से आओ या गोवा आके कोई बाइक या कार लो ना, तो आप ना हमेशा अलग अलग गली चूज करते हो, मतलब गूगल आपको हमेशा अलग अलग गली बताती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कैलंगेट जा रहे हो एक ही, एक तो बागा वाला जो रोड है वो कैलंगेट, कैंडलम, अंजुना वाला जो रोड है वो तो है, लेकिन बाकी ना आपको हमेशा अलग अलग गलियां मिलेंगी, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे अभी इस पता नहीं किस गली से जा रहे हैं, मतलब हम कभी भी इस गली से नहीं आए, ऐसा हमें लगता है, शायद आए भी हो। अपना लव यू जिंदगी वाली जगह यहाँ पे वो शूट हुआ था, तो ये बहुत ही खूबसूरत है यार। आज पहली बार नहीं, एक दो बार पहले भी आया, लेकिन पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत भाई, बड़ा ही खूबसूरत, झन्नाटेदार है। देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, रील वील बनती रहती है भाई। पहले स्पॉट को कोई पूछता नहीं था, उसके बाद मूवी में आने के बाद ना स्पॉट पे, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है,
यहाँ पे गोवा आते हैं तो यहाँ पे फोटो खिंचवाना, रील बनवाना, ये मैंडेटरी है। मैंने भी एक बना लिया भाई। ये करलीज वाला रास्ता है और ये रास्ता बहुत ज्यादा पतला है। इसमें से सामने से गाड़ी आ गई ना, तो भैया इस गाड़ी को निकालना मेरे बस की बात नहीं है। मतलब मुझे डर लगेगा। देखो बस की बात नहीं है ये तो गलत है, बट हाँ मुझे डर लगेगा कहीं दूसरी वाली गाड़ी सट ना जाए। तो अभी तो खैर सीजन नहीं है तो ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, बट अगर हो गई तो भैया अपन तो गाड़ी छोड़ के पैदल घूमे। okay, तो अभी अंकल अपना पार्किंग टिकट काट रहे हैं, अपनी गाड़ी इधर लगा दी। अपना हॉस्टल इधर ही है तो गाड़ी अपने रूम के पास ही है। मैं अंकल से पूछा उधर बाई चांस अगर खाली होगा तो कभी उधर लगा देंगे, बाकी इधर ही सही है, सेफ है। इधर से सामान भी ज़्यादा दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये शायद बीच में कहीं रुक गया या क्या। और ऊपर जाना यार, इसका कोई सेटिंग होता है शायद, कैसे होता है पता नहीं। भाई ये बैग तो हाथ में लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका व्हील पूरा गंदा हो जाएगा। मिट्टी है ना यहाँ पे, ये दिक्कत है भाई। देखो हॉस्टल में रहने का अपना फ़ायदा है तो अपना नुकसान भी है। ये बड़ा बैग खुद से लेके जाना पड़ रहा है। घिस लूँ क्या, ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कितना कामचोर आदमी कितना कामचोर आदमी मैंने कहा बाढ़ में जाए, बैग का चेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा लाइफ है। कह रहे हैं कि आप 3-4 दिन पहले आते तो बहुत मज़ा आता, क्यों क्यों अभी शर्मा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, ऐसे कैमरे पे नहीं, कैमरे पे नहीं, कैमरे पे नहीं, कैमरे पे नहीं। तो अपन अभी जा रहे हैं रूम में, और क्योंकि आज ईद है ना तो ज़्यादा क्राउड नहीं है, कॉमन एरिया है यहाँ का, तो यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ पार्टीज में रहेंगे। हाँ मैं आपको बता दूंगा कि गोवा में कहाँ कहाँ पार्टी होती है। ओके कहाँ कहाँ घूम सकते हो। अच्छा ठीक है, ये कैमरे पे बताना है ऑफ कैमरे बताना है? नहीं कैमरे में बता। अच्छा कैमरे पे, तो पहले वाला क्यों नहीं बताया? पहले वाला नहीं बता सकते ना सर। ओके तो ये वो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। तो ये जो सामने हट दिख रहा है ना, इसमें से अपने ने एक हट बुक किया है और यहाँ पे ही अपन स्टे करेंगे, बिकॉज अपने को तो एडिटिंग वगैरह वाला भी काम करना है। तो भैया को मैंने कहा मेरे हाथ तो भरा हुआ है, भैया ने मुझे कुछ सामान दिया था, ऐसा कह रहे आप ये पकड़ लो, मैं आपका लगेज पकड़ लेता हूँ। तो ये अपना हट है छोटा सा, और यहाँ पे अपन 2 दिन स्पेंड करेंगे, 2 nights एक्चुअली। हाँ ठंडा है, एसी चल रहा है? सुबह से लगा के रखा हूँ। क्या बात कर रहे हो, ओह ये बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। हाँ एंड ये सामने वॉशरूम, सामने एंड यहाँ से जो नज़ारे हैं ना भाई मज़ेदार। मैं तो कहीं नहीं निकल रहा भैया, छोड़ दो पार्टीज के बारे में मत बताना मुझे, मोटिवेट। ये ओपन शार है? नहीं नहीं ऊपर से क्लोज है, मुझे लगा ऊपर से सनलाइट भी। साफ आप गिरेंगे सर, सांप भी आता है ना, जंगल एरिया है ना। अच्छा आ भी सकता है साहब का क्या भरोसा? क्योंकि मैं गोवा नहीं पढ़ता हूँ ना, आपको कहाँ भी जाना रहेगा, किधर भी जाना रहेगा, मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता अभी थोड़ी देर में फ्रेश फ्रेश होके आपके पास ना, फिर अपन दोनों ही बैठेंगे आज। मस्त है यार, यहाँ से आराम से बेड पे बैठो। मैंने तो एक्सटेंशन भी लगा दिया, बिकॉज अपना तो सारा चार्जिंग वार्जिंग वाला काम है ना। पीछे मस्त एसी लगा हुआ है तो एकदम मस्त है, ठंडा है। बैग अपना इधर रख दे क्योंकि अपने पास ज़्यादा सामान नहीं है, गाड़ी अपनी बाहर ही है, कुछ चाहिए होगा तो लेके आ जाएंगे। भाई शाम के बज रहे 9, अब मैं रेडी वेडी होके मस्त जूते वूते पहन के निकल रहा हूँ थलासा के लिए। मतलब सैटरडे नहीं सॉरी संडे है ना, तो संडे थोड़ा सा हैपनिंग हो जाता है थलासा। मैंने कहा अब नेक्स्ट संडे तक तो यहाँ पे रुकना नहीं है, चल एक बार घूम के आ ही जाते हैं। थलासा यहाँ से दिखा रहा है ऑलमोस्ट 20 मिनट, तो ठीक है 9 बजे पार्टी स्टार्ट होती है। अपन ये करलीज वाला पार्किंग है, और मार्शल अंकल को मैंने पहले ही बोल दिया कि अंकल जी मैं मेरे लिए एक पार्किंग रखना, मैं अपनी गाड़ी को लेके थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होना, तो आपके घर में लगाऊंगा मैं। फॉर्चुनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी जो हेडलाइट है ना यार, वो नॉट अप टू द मार्क है। नॉट अप टू द मार्क इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ चेंज भी नहीं कर सकते भाई, अप टू द मार्क नहीं रहती तो इसमें कुछ चेंज कर लेते, लेकिन भैया यूनिटी ऐसा है ना कि उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अभी इसका कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई, कुछ तो उपाय ऐसा ताकि गाड़ी को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब स्ट्रक्चर बिना डिस्टर्ब किए इसकी लाइट अच्छी करनी पड़ेगी। खलासा की पार्किंग भी ना एक्चुअली जो फ्री पार्किंग है वो काफ़ी काफ़ी दूर है। क्या बोल रहे हैं भैया, हाँ हाथ निकाल के क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा कह रहे हैं कि उधर से गाड़ी आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं भैया, हम भी देख रहे हैं, चलो भैया साइड में पार्क कर दें। Triple, you know, riding in my face.